माय डियर व्यूअर्स वालेकुम जिस तरह दिखाया गया है वर्ल्ड जनरल नॉलेज का पार्ट टी है इस पार्ट में हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी इसका पार्ट दूसरा शुरू करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम बात करेंगे इसमें जो है यूनाइटेड नेशंस हैं सार्क हैं और भी नेटो हैं जितने भी आर्गनाइजेशन हैं उस पर उसके एम सी क्यूज़ पर बात करेंगे नाइन्टीन एम सी क्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर मेबर ऑफ सार्क कौन से मुमालिक जो है सार्क के मेंबर हैं ऑप्शन डी जो है दुरुस्त जवाब हैं पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान मालदीव मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश यानी ऑप्शन डी उन्नीस एम सी क्यूज में जो है सार के मेंबर जो है पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश हैं द सार्क मोमेंट वॉज लॉन्च फॉर सार का जो मूवमेंट था ये किसके लिए शुरू किया था ऑप्शन सी ट्वेंटी एम सी क्यूज में रीजनल कोऑपरेशन इलाकाई टाउन के लिए ये सार का जो तहरीक था ये शुरू हुआ था वीटो पावर इज नॉट प्रोसेस्ड बाई यानी ट्वेंटी वन 21 क्यूज में वीटो पावर जर्मनी के पास नहीं है जबकि तीनों ममालिक के पास यानी ट्वेंटी वन क्यूज में यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटेन फ्रांस इन सारों के पास है ट्वेंटी टू वीटो पावर यानी ट्वेंटी टू क्यूज में जो है द मेन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज मेन बॉडी जो मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की वो क्या है जनरल असेंबली ऑप्शन बी हाउ मेनी कंट्री आर प्रेजेंटली मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट 23 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी है 120 ट्वेंटी नॉन अलाइन मूवमेंट के कितने मेंबर हैं 120 24 एमसीक्यूज में वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ एम इंटरनेशनल एआई लोकेटेड एम इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है लंदन में ऑप्शन बी है 24 एमसीक्यूज में फोनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द स्कीम फॉर पार्टनरशिप फॉर पीस पी आई पी फॉर ए ग्रुप ऑफ नेशन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज में ऑप्शन बी है कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने स्कीम स्टार्ट किया था ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज में विच ऑफ द फोनइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्ट द स्कीम पीस पार्टनरशिप फॉर पीस पी आई पी फॉर ए ग्रुप ऑफ नेशंस नेशन ट्वेंटी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट इन यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट ये कब शुरू किया था ऑप्शन बी नाइनटीन सेवन में सार्क वॉज फाउंडेड इन ट्वेंटी सेवन एम सी क्यूज में जो है सार कहाँ उसकी बुनियाद रखी गई ढाका में यानी ट्वेंटी सेवन एम सी क्यूज में ऑप्शन सी हैं जी सेवन इंक्लूड जी सेवन में शामिल है कौन सा मुल्क ट्वेंटी एट एम सी क्यूज में ऑप्शन ए एटली वाम जॉइंट द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर वतनाम ने ज्वाइन किया था ट्वेंटी नाइन एम सी क्यूज में ऑप्शन सी नाइनटीन सेवनटी सेवन वतनाम ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था में इंटरपोल मींस इंटरपोल का क्या मतलब है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का क्या मतलब है तीस एम में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एम सी में जो है वट इज द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के वो कितने हैं टेन है ऑप्शन सी है थर्टी वन एमसी क्यूज में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट दिन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहां पर हुआ क्या हैग में यानी ऑप्शन बी दर्टी थ्री एमसी क्यूज में द यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस थर्टी थ्री एम सी क्यूज में अक्टूबर ट्वेंटी फोर नाइनटीन फोर्टी फाइव यूनाइटेड नेशंस जो है उसको कब मर्ज वजूद में आया इसका फाउंडेशन कब रखा गया अक्टूबर चौबीस उन्नीस सौ पैंतालीस को थर्टी फोर एम सी क्यूज में द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज परमानेंट मेंबर जो है थर्टी फोर एम सी क्यूज में ऑप्शन सी हैं फाइव हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है थर्टी फाइव एम सी क्यूज में ऑप्शन ए

ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को 38 एमसीक्यूज में द फर्स्ट नॉन अलाइन समिट वाज हेल्ड एट बेलग्रेड ऑप्शन बी 38 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस से इसका ताल्लुक नहीं ASEAN, या है आसियान यानी ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन सी है 39 एमसीक्यूज में 40 MCQs में, फॉलोइंग एशियन लीग आर यूनाइटेड official लैंग्वेजेस कौन से एशियाई जबान है यूनाइटेड नेशंस की हैं ऑप्शन ए चाइनीज एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यू एन सी टी एडीज लोकेटेड एट जिनेवा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट यू एन सी टी एडी ये कहां पर हुआ था जेनेवा फोर्टी वन में ऑप्शन ए अफ्रीका फंड वॉज क्रिएटेड बाय अफ्रीका फंड किसने क्रिएटेड किया था नाम एन ए एम फोर्टी थ्री में सार हैज टोटल सार के कितने मेंबर हैं एट मेंबर हैं सार के कितने मेंबर हैं एट फोर्टी थ्री में ऑप्शन एट हैं हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट है, हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहाँ पर है जिनेवा पर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई सी जी वॉज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कब इस्टिश हुआ था 1945 यानी 45 एम सी क्यूज में ऑप्शन ए हैं फाउंडेड इन सार की बुनियाद कहाँ पर कब रखी गई 1985 एटी फाइव द अफ्रीका फंड इज फॉर

एफ्टा इज लोकेटेड एट हेडकोार्टर जो है यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड इफ्टा का जो है ये कहाँ पर है जेनेवा फोर्टी एट एम सी क्यूज़ में भी है दर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओ आई सी वॉज एस्टैबलिश फोर्टी नाइन एम सी क्यूज में क्या है सितंबर ट्वेंटी फाइव नाइनटीन सिक्सटी सेवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था ये कब एस्टेब्लिश हुआ था सितंबर पच्चीस 1969 को हाउ मेनी डेलीगेट्स आर ईच कंट्री सेंट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल फिफ्टी एम सी क्यूज में ऑप्शन फाइव है यानी फाइव ऑप्शन सी है फाइव फिफ्टी एम सी क्यूज में फिफ्टी वन एम सी क्यूज में जो है हाउ मेनी जजे आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के कितने जजेस होते हैं फिफ्टीन ऑप्शन सी मेंट कौन सा यूनाइटेड नेशन का कौन सा आर्गन जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट यानी दुनिया का पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है फिफ्टी टू एम सी क्यूज में बी है फिफ्टी थ्री एम सी क्यूज में विच ऑफ द फॉलिंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ जी फिफ्टीन डिवेलपिंग कंट्रीज ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज बोलेविया बोलेविया ऑप्शन बी हैं Which of the following country is considered as original member of United Nation though it signed the charter लेटर कौन सा मेंबर जो है ओरिजिनल मेंबर समझा जाता है यूनाइटेड नेशंस अगर इसने साइन बाद में किया था अंगोलिया 54 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज ऑप्शन बी ट्रेगू लई ट्रेगू लई ऑप्शन 55 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो